नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक की है जिसमें सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी पर किसानों ने चर्चा की है। किसान नेताओं की ओर से इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि बुधवार को एक बार फिर से हम मीटिंग करेंगे, आगे की रणनीति इसमें बनाएंगे और यह बैठक कल करीब 2 बजे होगी। किसानों का कहना है कि सरकार से कल जवाब मिलने की हमें उम्मीद है। किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि वो सरकार की शर्तें मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। खासतौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता, इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को जो एसकेएम की मीटिंग थी उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे, ये शर्त हम मानने के लिए तैयार थे। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, एक साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए जो रही है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे का जो है वो सैद्धांतिक तौर पर हम मानते हैं कि हम देंगे, लेकिन पूरे हाउस ने यह तय किया है कि जैसे पंजाब ने किया है ऐसा सरकार सबके लिए अनाउंस कर दे, तो उसमें सैद्धांतिक तौर पर मानने की बात रही है, अनाउंस कर दे पंजाब की तर्ज पे अनाउंस कर दे तो वो मामला जो है वो निपट सकता है। और अब खबर गुरुग्राम से है जहां खुले में नमाज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को इमाम संगठन की ओर से जिला उपायुक्त के साथ बैठक कर ये सहमति जताई गई थी कि 18 जगहों पर नमाज की जाएगी, विवाद जगहों पर अब नमाज नहीं होगी। लेकिन मंगलवार को मुस्लिम संगठन के दूसरे धड़े ने इस बात का विरोध करते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है कि नमाज के लिए 18 जगह कम है और इसीलिए जिला प्रशासन दूसरी जगहों को उपलब्ध कराए जहां शांति से नमाज अदा की जा सके। वहीं दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कुछ मुस्लिम संगठन के लोग आरएसएस के साथ साठगांठ करके बेवजह अपने निर्णय प्रशासन के सामने रख रहे हैं जिससे मुस्लिम संगठन इत्तेफाक नहीं रखते। मुसलमान समुदाय से ने जब से कल से सुना है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसमें हिंदू संगठन साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस की शाखा है, ये समझ लें जब हम मुसलमान राष्ट्रीय मंच बोलते हैं ऐसा लगता है कि मुसलमानों के कुछ नुमाइंदे हैं, ये मैं हम सब लोग जानते हैं कि ये आरएसएस की शाखा है और मुसलमान समुदाय उनसे इत्तेफाक नहीं हुए। इन इमामों की नियुक्ति हम लोग करते हैं कि आप यहाँ आइए और हमारे लोगों को नमाज पढ़ाइए। ये जो 2-3 संस्थाएं हैं हमारी, जो संगठन है, वो इमामों को यहाँ नियुक्त करते हैं, लेकिन वो उसी नियुक्ति के खिलाफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका लेटर हेड पर ये कैसे बारिश पे कैसे आवेदन जा रहा है? देखिए सवाल मेरा वही है, ये भड़काऊ भाषण है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो खुर्शीद राज का है, उन्होंने एक दो हमारे इमामों को अपनी गोद में बिठा के एक संगठन खड़ा किया है जो यहाँ की नुमाइंदगी नहीं करता है, उन इमामों को हमने नियुक्त किया। और चलिए इस पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए गुरुग्राम से। मोहित, ये विवाद ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है, इस विवाद का इतनी जल्दी अंत नहीं होगा, क्योंकि अगर मुस्लिम समाज के लोग ही एक राय नहीं कर पा रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर तो समाधान होगा कैसे? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मसला चल रहा है खुले में नमाज को लेकर, इसका एक मजाक बना दिया गया है। पहले तो मुस्लिम समुदाय के ही लोग आकर ये सहमति दिखाते हैं कि ठीक है, जिला प्रशासन ने जो जगह हमें मुहैया करा दी हम सहमत है। बाद में कुछ और लोग आकर कहते हैं कि हम सहमत नहीं है, ये जगह कम है। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम की शांति को भंग करने के लिए इस तरीके के भद्दे मजाक जो है जिला प्रशासन में, जिला गुरुग्राम में किए जा रहे हैं। ऐसे में बताना चाहूंगा, डीसीपी
रैंक के अधिकारी वहां मौजूद थे, जिला उपायुक्त वहां मौजूद थे, और ऐसे में पहले तो दो संगठनों का आना, सहमति दिखाना, और उसके बाद फिर मुस्लिम संगठन में से कोई और दूसरे हाजी शहजाद खान और उनके साथियों का आ जाना और ये कहना कि हम इससे सहमत नहीं। तो क्या एक जिला उपायुक्त के कार्यालय में क्या पूरे गुरुग्राम के तमाम मुस्लिम वर्ग के लोगों को लाकर सहमति दिखानी होगी? हर किसी का, हर समुदाय का, हर ग्रुप का एक मेंबर है जिसको बुलाकर के सहमति दिखाई गई थी, मगर ऐसे में अब उस सहमति से भी सहमत नहीं है तो कहीं ना कहीं एक मजाक बनाया जा रहा है फैसलों का, उस समय का जो कि उपायुक्त ने इन लोगों को दिया, उन लोगों का जिन लोगों ने इनकी बात पर सहमति दिखाई और बाद में शाम होते होते ये सहमति भी बदल गई, तो कहीं ना कहीं मजाक का माहौल बन गया जिसका खामियाजा जो है समय आने पर भुगतना जरूर पड़ सकता है। जी जी मोहित, एक वर्ग का ये कहना, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वही इस पूरे मसले को लेकर बट गए, एक वर्ग की ओर से यह कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो आरएसएस के जो लोग हैं उनके साथ मिल गए और उनके साथ मिलकर ये सब करने की वो कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये 18 जगह चिन्हित की गई ये बहुत कम है। तो बड़ा सवाल यही है कि भाई इस तरीके से तो समाधान होगा नहीं। अगर आपको समाधान निकालना है, आपको विवाद की जो जड़ है उसको खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना होगा ना, कहीं ना कहीं तो आपको एक राय बनानी होगी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से बीते लंबे समय से हर खबर हरियाणा की टीम इस पूरे मुद्दे को कवर कर रही है और हर वर्ग के लोगों से काम बात कर रही है, तो ऐसे में कई चीजें और हमारे सामने भी सामने आई है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं, चाहे वो मुस्लिम चेहरे हों चाहे वो हिंदू संगठन के लोग हों, जो कि सिर्फ आपसी आपसी मनमुटाव को, आपसी जो ईर्ष्या द्वेष एक दूसरे को लेकर के है उसके चलते पूरे समाजों को धकेल रहे हैं, चाहे मुस्लिम समाज की बात करें या हिंदू समाज की बात करें। जब दो जो वर्गों ने जब एक साथ बैठकर सहमति दिखा दी, और अगर इस बात की सहमति दूसरे वर्गों को नहीं थी तो वे क्यों नहीं पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचे, उनको इन्वाइट नहीं किया गया तो उनका फिर पद इतना बड़ा क्यों नहीं था अगर उनको इन्वाइट ना किया जाए, और अगर पद छोटा है तो क्यों वो फिर नमाज पढ़वाने के लिए विवादित विवादित जगहों पर पहुंच जाते हैं। और ऐसे में हिंदू संगठनों की बात करें तो वो उनका भी सब ऐसा ही है, हालांकि हिंदुओं की तरफ से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं मिला है, वो तो सभी सहमत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की जो मांग थी वो साफ तौर पर जो हिंदू संगठनों की मांग थी कि खुले में नमाज ना हो, उसको चलते जो ये पूरा फैसला लिया गया था। मगर ऐसे में जो दो फाड़ वो मुस्लिम समुदाय के लोगों में दिखाई दे रहा है, और ऐसे में हिंदू संगठन के भी लोगों ने साफ कर दिया है कि सहमति हो या ना हो, मगर अगले शुक्रवार गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, जिन जगहों पर शुरू से ही विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग सहमत नहीं है, अगर ये लोग फिर से एक बार शांति व्यवस्था भंग करने के लिए उन्हीं जगहों पर, यानी कि सेक्टर 37 की बात करें या फिर कई और इलाकों की बात करें, नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते हैं तो जरूर कोई बड़ा दुर्घटना जो है वहां हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहित आप, और हमने देखा पिछले दिनों जब जुमे की नमाज थी तो वहां किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगे, और अगर विवाद को आपको खत्म करना है तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा करना होगा, कहीं ना कहीं तो आपको मानना ही पड़ेगा ताकि विवाद जो है वो खत्म हो सके। मोहित, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आज बैठक हुई है जिला उपायुक्त के साथ, ये बैठक हुई है मुस्लिम संगठन के लोगों को बाकायदा इसमें बुलाया गया था, तो क्या कुछ हिंदू संगठन के लोग भी इसमें थे, उनसे भी क्या राय मशवरा इस पूरे मसले को लेकर किया गया या सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही थे? मैं बताना चाहूंगा जो हिंदू संगठन के जो काफी तमाम जो लोग यहां थे, चाहे कुलभूषण भारद्वाज की बात करें या फिर और भी जो संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद थे जी, हिंदू संगठनों का साफ तौर पर यह कहना था कि जो खुले में नमाज है उसे बंद किया जाए, और इस मीटिंग के अंदर भी ये फैसला हुआ था कि खुले में नमाज नहीं की जाएगी, और 6 ऐसी जगह होंगी जो कि सार्वजनिक स्थान है, मगर उन सार्वजनिक स्थान का रखरखाव का किराया देना होगा, और जब वक्फ बोर्ड की जमीनों को खाली करा लिया जाएगा तो वहां पर उनको शिफ्ट होना होगा, मगर खुले में नमाज नहीं की जाएगी। तो ऐसे में सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत मिलने की वजह से हिंदू संगठन सहमत दिखाई दिए कि अगर कुछ दिनों की बात है तो सहमति 6 जगहों पर दे दी जाएगी, और उसके बाद समय आने पर ये लोग अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, जिस वजह से कोई विरोध हिंदू संगठन की तरफ से नहीं हुआ। मगर मुस्लिम संगठनों ने इस पूरे मामले के अंदर जो फैसला जिला उपायुक्त के सामने हुआ, सर्वसहमति से जो फैसला हुआ, उसका अब पहुंचकर जो है मजाक उड़ा दिया है, और साफ तौर पर यह कहा है कि हमें या तो मस्जिद और दे दी जाए या फिर जगह बढ़ा दी जाए, यानी कि सीधे तौर पर यह साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो कुछ शरारती तत्व हैं वो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं या फिर अपना झंडा चमकाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। जी जी मोहित, लेकिन क्या इस बैठक के दरमियान जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग थे क्या वो सहमत थे कि 18 जगह जो दी जा रही है नमाज अदा करने के लिए उस पर वो सहमत थे या फिर नहीं? मैं बताना चाहूंगा जो 18 जगह जो दी गई थी उसमें से 2 जगहों को लेकर थोड़ा विवाद जरूर हुआ था, मगर उसको लेकर भी जो है दोनों ही समुदायों ने सहमति बनाकर इन 18 जगहों को
सहमति दिखाई और सहमति के बाद खुशी से जो है दोनों समुदाय एक दूसरे से मिलकर जो है बाहर निकले थे। मगर जैसे जैसे शाम हुई, शाम होते होते जो है ये पूरी कहानी जो है बदलती चली गई और वो लोग सीधे तौर पर नाराज नजर आए जिनको इस बैठक के अंदर नहीं बुलाया गया। और ये उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग जो है आरएसएस के संगी हैं और ऐसे में उन संगियों के साथ मिलकर के उन्हीं की मनमानी चलवाते हुए हमारे समुदाय मुस्लिम समुदाय का झंडा लेकर जो है हमें नीचा करा दिया है और हमारी जो जरूरतें थी, जो मांग थी, वो पूरी नहीं हुई और हमारा ठेका लेकर के जो है इस पूरे सहमति को दर्शा दिया गया है सभी लोगों के सामने। ऐसी जो है बातें सामने आ रही है। हालांकि गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सीधे तौर पर यह कर दिया है कि जो जगह जो तय हुई है वो जगह तय रहेंगी और ऐसे में अगर शांति व्यवस्था अब अगर भंग करता है तो वह चाहे किसी भी समुदाय का क्यों ना हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से खुले में नमाज को लेकर विरोध लगातार चल रहा है, अब ये विवाद खत्म कैसे होगा, कब होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो बैठक हुई है बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक थी, उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक से कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, लेकिन फिलहाल इस पर कहीं ना कहीं सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद अब साइबर सिटी गुरुग्राम में विदेशों में विदेशियों और एनआरआई भारतीयों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीएमओ गुरुग्राम ने बताया है कि 26 नवंबर के बाद से मौजूदा वक्त तक 2400 से ज्यादा लोग विदेशों से गुरुग्राम लौटे, जिनमें 558 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले के चीफ मेडिकल अधिकारी ने बताया है कि 558 यात्री ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से वापस लौटे और उन सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि अभी तक किसी में भी ओमिक्रॉन जैसे लक्षण नहीं मिले और इसीलिए अगले 14 दिन तक सभी को होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य है। जैसा आपको मालूम है कि ओमिक्रॉन को लेके जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उसके तहत दो कैटेगरीज, दो ग्रुप बनाए गए थे, एक हाई रिस्क कंट्रीज और एक जो अन्य देशों से ट्रेवल कर रहे हैं। इनिशियली हाई रिस्क कंट्रीज जो थी वो 12 डिक्लेयर करी गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये केसेज अन्य कंट्रीज में भी आ गए, तो अभी नेक्स्ट जो होगी हाई रिस्क में वो एक अलग क्राइटेरिया, लेकिन फिलहाल 12 हाई रिस्क कंट्रीज से ही हम लोग मान रहे हैं। और अभी तक कुल मिलाकर 26 तारीख से, यानी जिस दिन से या 25 के बाद से ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुए, तो 2400 केसेस जो हैं वो फॉरेन ट्रेवलर्स जो हैं वो गुड़गांव में आए हैं, जिनमें से 551 केस जो हैं वो 12 हाई रिस्क कंट्रीज से आए हैं। और अभी तक ये सभी 551 जो थे ये नेगेटिव हैं जो एयरपोर्ट से, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो हाई रिस्क कंट्रीज से आते हैं उनका पहले RT-PCR होता है। RT-PCR नेगेटिव होने के बाद ही आप अपने घर होम आइसोलेशन के लिए जा सकते हैं और इन सभी का 8th डे पर टेस्ट किया जाता है। तो अभी तक जो हमारी पहली लिस्ट थी उसमें 551 का, इनका सभी का दोबारा 8th डे का भी टेस्ट, 7th और 8th डे का टेस्ट हो चुका है, वो भी नेगेटिव है। अभी जो और कल लिस्ट आई है आज, उस पर अब काम हो रहा है, वो भी 500 के आसपास की लिस्ट रहेगी। आज शाम तक हम एग्जैक्ट उसका बता पाएंगे। शराब के नशे में धुत असिस्टेंट मैनेजर ने अपने साथी के साथ मिलकर गाड़ी को लूट लिया। आरोपियों ने उबर से गाड़ी बुक कराई थी, रास्ते में चालक को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और दोनों ही आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गए। आरोपियों में से एक आरोपी दिल्ली के मंगोलपुरी का रहने वाला है तो दूसरा आरोपी ठेठड़ गांव का रहने वाला है। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भौंडसी जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी भौंडसी में स्थित राघव पेट्रोल पंप पर काम करता था। पुलिस ने आरोपियों से गाड़ी को बरामद कर लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों को जेल भी भेज दिया है। रात को एक सूचना मिली थी कि दो लड़कों ने एक उबर कैब कंपनी की गाड़ी को किराए पर करके भौंसी से पेट्रोल पंप से किराए पर किया था और उन लड़कों ने उस ड्राइवर चालक को वहां गांव राघा के पास आकर के गाड़ी से उतार कर फेंक दिया और गाड़ी को छीन कर भाग गई। गाड़ी को हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान में गांव दौस से बरामद किया तथा आरोपी नवीन की गिरफ्तारी की मौके से। गुरुग्राम के पटौदी में दबंगों की दबंगी का मामला सामने आया है, जहां एक मकान में रह रहे परिवार पर पथराव किया गया, साथ ही लाठी और डंडे लेकर मकान पर हमला भी किया गया, जिसके बाद मकान में रह रहे परिवार के लोग
और उनके छोटे छोटे बच्चे पत्थरों से जान बचाकर भागते नजर आए। ये पूरी वारदात शिकायतकर्ता के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी मदद से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। और पलवल से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पलवल के ग्राम गोघेरा के जिला अस्पताल में सरकारी डॉक्टर्स की ओर से इलाज के नाम पर रुपए मांगने का एक बार फिर से मामला सामने आया है, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ पर बच्चे के हाथ में लगी चोट का ऑपरेशन करने की एवज में 10,000 रुपए की मांग की गई, जिस पर परिजन डॉक्टर को यह कहते हुए अस्पताल से बाहर आ गए कि उनके पास पैसे होते तो वो पहले ही निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते, यहां क्यों आते। दरअसल सरकार लाख कोशिश करे कि लोगों को सहज सुलभ उपचार उपलब्ध हो पाएगा, लेकिन जिला अस्पताल में बैठे लोभी और लालची डॉक्टर अभी भी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर एसएमओ का चार्ज संभाल रहे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अजय माम से जब पूछा गया, बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी अस्पताल में प्रदेश के किसी भी मरीज के लिए कोई चार्ज नहीं है, और यदि कोई डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, वो पैसे की डिमांड करता है तो वो गलत है, और आगे से कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए पैसे ना दे। यदि उनके पास इस प्रकार की कोई शिकायत आती भी है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा पोता है, ये सेंट सीआर स्कूल में पढ़ता है। उसमें बच्चे ने किसी ने जो मतलब इसको धक्का उक्का मार दिया है, तो हम सुबह से ही भाग रहे हैं, दुलीचंद वैद्य के पास गए हैं, वहाँ उसने जो है वो कराया है इसका जो एक्सरे वगैरह, एक्सरे करा करके वहाँ से उनने कही है कि आप इसे जो है सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं तो बढ़िया कर, तो मैं भी दूंगा। अच्छा, बोलो आप कहाँ हैं तसल्ली, यार सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं भाई, कोई कमी बेसी रह जाए तो बात में है, तो तब हम यहाँ आए। देखिए हमारे पास कोई ऐसी सूचना अभी तक नहीं आई है, और अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो मैं यही कहूँगा कि जो कंप्लेन दे दे हमें, हम उसकी जांच करवाएंगे। बाकी जितना अभी हमारे हॉस्पिटल का प्रोसीजर है उसमें ये है कि पेशेंट से हम कोई पैसे नहीं मांगते हैं, एडमिशन चार्जेस वो नॉमिनल से हैं, वो ज़रूर लगते हैं, पेशेंट से कोई सर्जरी के चार्जेस नहीं दिए जाते अगर वो हरियाणा का रेजिडेंट है तो। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई इम्प्लांट शिम्प्लांट लगना हो जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और अगर कोई बजट उस टाइम नहीं हो तो पेशेंट को रेफर किया जाए। गुरुग्राम में सीवीएच टावर के पास से ड्राइवर से कार लूटकर फरार हुए चार आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई कार, एक मोबाइल फोन बरामद किया है। एसीपी क्राइम की माने तो 4 दिसंबर को हाकिम नामक शख्स ने थाना सेक्टर 40 गुरुग्राम में शिकायत दी कि वो अपनी गाड़ी को ड्यूटी पर लेकर गया था। उसको करोल बाग के सेक्टर 14 गुरुग्राम की बुकिंग मिली थी और वो अपनी गाड़ी को लेकर सेक्टर 14 से सीएनजी पंप सेक्टर 31 में आ रहा था। जब वो सिग्नेचर टावर के पास पहुंचा तो फोन सुनने के लिए रुका, इस बीच उसके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये दिनांक 4/12/2021 को एक कैब चालक अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेके और सेक्टर 40 के लिए आ रहा था, और उसको सिग्नेचर टावर के पास वहाँ पे कुछ लड़कों ने रोक के पेट्रोल पंप के पास और उसकी गाड़ी लूट ली और उसको उतार के फेंक दिया, जिसके संबंध में 392 के तहत सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करके हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने काम किया, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें शामिल जो चार लोग थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, और उनसे ये गाड़ी हमने बरामद की है, और उसमें जो फोन वारदात में यूज किया था वो भी हमने बरामद किया।
बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क में अवैध कब्जे को लेकर भूमाफिया और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। गुस्साए लोगों ने स्थानीय प्रशासन और भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कल्पना चावला सिटी पार्क बल्लभगढ़ का सबसे बड़ा पार्क है और यहां पर कुछ लोगों ने करीब 5000 गज जगह पर दावा करते हुए उसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत लिया था। कांग्रेस के शासन में इस जगह पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था और इसे लेकर बल्लभगढ़ शहर के लोगों में काफी गुस्सा था। वो भी भूमाफियाओं और प्रशासन के खिलाफ कोर्ट चले गए थे। फरीदाबाद की एक अदालत ने स्थानीय प्रशासन को यह कब्जा पार्क संघर्ष समिति के लोगों को दिए जाने के आदेश भी जारी किए थे। प्रशासन को सुबह करीब 11 बजे जमीन का कब्जा दिलवाने के लिए आना था, लेकिन जब दोपहर तक प्रशासन कब्जा दिलवाने नहीं पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूरज चमक से चंद्रमा शीतल जी के लोगों ने कब्जा करने की कोशिश करी है। बताना चाहता हूँ ऐसी नीच प्रवृत्ति के लोग समाज के लिए सबसे पूरा देश नहीं था। तो सिटी पार्क पर कब्जे का यह मामला है और इससे जुड़ी ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भूमाफिया और लोग जो हैं वो आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि इस कब्जे को हटवाने को लेकर प्रशासन को यहां पर पहुंचना था, लेकिन प्रशासन जब मौके पर नहीं पहुंचा तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोग इस बात को लेकर नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क का यह मामला, जहां अवैध कब्जे को लेकर भूमाफिया और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। गुस्साए लोगों ने स्थानीय प्रशासन और भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कल्पना चावला सिटी पार्क बल्लभगढ़ का यह सबसे बड़ा पार्क है और यहां पर कुछ लोगों ने करीब 5000 गज जगह पर दावा करते हुए उसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत भी लिया था। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कांग्रेस के राज में इस जगह पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था और इसे लेकर बल्लभगढ़ शहर के लोगों में काफी गुस्सा था और अब वो उम्मीद कर रहे थे कि प्रशासन उन्हें ये जमीन वापस दिलवाएगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।